अच्छा, तो आपने लॉजिकल फॉर्मूला पढ़ा, एंड पढ़ लिया आपने, इफ एरर पढ़ लिया, बाकी सब तो मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा आपने। इफ एरर के बारे में बताया आपको हमने। एंड इफ, और ये दो फॉर्मूलाज हुए हैं इनमें से। अच्छा, बाकी नहीं बताया इनमें, एंड और इफ हुआ है। चलिए मैं लॉजिकल से ही स्टार्ट कर और भी देता हुआ है, और भी हुआ है, हूँ। हाँ वो एंड जा इफ एंड और हो गया है। अच्छा, तो इसमें मतलब वैसे ज्यादा नहीं है, इफ एरर ही है फिर उसके बाद तो, क्योंकि जो आपका एंड हो गया, इफ हो गया, और हो गया, नॉट, फॉल्स एंड ट्रू। सपोज जैसे आपका ये ट्रू है ना, इसको कहते हैं बुलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स को, जो लॉजिकल में हमारे काम आती है, लॉजिकल कैलकुलेशंस में काम आती है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होती हैं, जो भी हम कुछ भी टाइप करते हैं इस तरह से टेक्स्ट में, तो इसको हम कहते हैं टेक्स्ट वैल्यूज। जो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, इसको टेक्स्ट वैल्यूज कहते हैं, और ये हमारे नंबर्स होते हैं। इसी तरह से इन दो वैल्यू की तरह ही एक अलग से वैल्यू होती है, इसको बुलियन वैल्यू कहते हैं, जिसका हमेशा ट्रू और फॉल्स में वैल्यूएशन होता है। ट्रू फॉल्स, ट्रू को एज ए वन भी डिनोट करते हैं और जीरो भी डिनोट करते हैं, इसीलिए कई बार आपने वी लुकअप में देखा होगा कि जीरो का यूज होता है, कई ट्रू फॉल्स की जगह पे जीरो वन का यूज करते हैं। बाकी डिटेल में इसके बारे में आगे आप जानेंगे कि बुलियन वैल्यू, ये प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको बुलियन वैल्यू कहा जाता है। तो लॉजिकल जो फॉर्मूलाज हैं या लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, वो सब इसी बुलियन वैल्यू पे होते हैं, ट्रू और फॉल्स। इसका बेसिक जो ओरिजिन है वो बाइनरी से शुरू होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास वन और जीरो होते हैं, जीरो वन का मतलब ऑन होता है, जीरो का मतलब ऑफ होता है, इसीलिए कई बटन्स जो इलेक्ट्रिसिटी के बटन्स होते हैं उनमें भी जीरो वन दिया होता है। बेसिकली ये स्विच का ही काम करते हैं, और पूरा कंप्यूटर ही इसी और जीरो वन पे, फॉर्मूला जीरो फॉर्मूलाज वन। में कैसे यूज करेंगे? ये भी आपके जैसे बटन होते हैं ना, ऑन करना है, ऑफ करना है। इफ क्या करता है हमारा, अब एक सिंपल सी कंडीशन ले लेते हैं कि अब इसमें मैंने जो भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू से होता, हमने कहा C3 ग्रेटर देन D3, ये लॉजिकल ऑपरेटर है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और जो भी इस तरह के ऑपरेटर होते हैं वो इसमें आते हैं। ये ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करेंगे हमेशा, मतलब ट्रू का मतलब वन, ट्रू का मतलब ऑन, राइट, फॉल्स का मतलब रॉन्ग। तो ये एक स्विच की तरह काम करते हैं। अब मैं इसमें एक फॉर्मूला लगा देता हूँ इफ का। इफ का क्या करता है, ट्रू फॉल्स के ऊपर रिजल्ट देता है। अगर ऑन हो वैल्यू, इफ ट्रू हो तो यहां पे कर देता हूं ग्रेटर, टेक्स्ट में वैल्यू दे देता हूं, और वैल्यू इफ फॉल्स हो तो यहां पे एक डाल देता हूं लेसर। तो इसमें आप देखिए, अगर मैं इस नंबर को बड़ा कर देता हूं तो ये स्विच का काम करता है। तो ये क्या कर रहा है, यहां पे ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे इन दोनों में स्विच कर रहा है। हमेशा ट्रू फॉल्स का यही यूज होता है स्विच करने का। ठीक है सर। तो आपने जो अभी तक जाना है उसमें ए इफ फंक्शन, एंड फंक्शन, और फंक्शन, नॉट में क्या होता है, सब इसी ट्रू फॉल्स पे है सर, ट्रू फॉल्स। अब नॉट में कोई भी कंडीशन इवेल्युएट होके आएगी तो नॉट उसका रिवर्स कर देगा। नॉट का अगर फॉर्मूला लगाता हूं तो इसको बस रिवर्स कर देगा। हेलो, अरे यार पंगा हो रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का है।
अब देखिए इसमें इफ एरर का फंक्शन है, जिस तरह से हमारे पास ये ट्रू फॉल्स के फंक्शन है, कुछ एरर के लिए भी हमारे पास फंक्शन है, सच एज एन ए। ये एरर आपने वी लुकअप में देखी होगी कई बार। तो इफ एरर का फंक्शन क्या करता है कि जैसे हम इफ में कंडीशन देते हैं, तो इफ एरर में सिर्फ एक कंडीशन होती है, अगर एरर है इस जगह पे तो क्या देना है। कई बार हम जीरो दे देते हैं, कई बार हम ब्लैंक दे देते हैं, तो कुछ भी अपने हिसाब से इसमें दे सकते हैं। अब जैसे इफ का फंक्शन है, मैं इफ के फंक्शन के अंदर अगर इसको लगा दूं कि इफ एरर, इसका हम वी लुकअप में ही मोस्टली यूज करते हैं, जैसे हमारी कई बार शीट भद्दी लगती है तो उसके लिए यूज करते हैं इसका, बाकी और कोई यूज नहीं है इसका, शीट को सुंदर बनाए रखने में हमारा मदद करता है। बस ये है कि इसमें वैल्यूएशन जो है खाली एरर बेसिस पे होता है और कुछ नहीं, और अगर आपकी एरर आती है तो क्या वैल्यू रहेगी आप सेट कर सकते हैं। लॉजिकल फंक्शन में इतना ही है, बाकी मैं आपको टेक्स्ट के फॉर्मूला में ले चलता हूँ, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब और भी काम की मिलेंगी। सबसे पहले फंक्शन लेते हैं इसका भाग टेक्स्ट, इसका कोई यूज ही नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ कि क्योंकि सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज फॉर्मूला में मुझे यही मिली थी जब मैंने फॉर्मूला सीखने स्टार्ट किए थे। ये क्या करता है, जैसे मैंने कुछ नंबर टाइप किए और मैंने इसका रेफरेंस इस फॉर्मूला में दे दिया, तो मैं कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कुछ देता है, ये मुझे पता पड़ा था, मैं गूगल में गया था, फिर मैंने ट्रांसलेट करके देखा, मैंने कहा अगर लैंग्वेज है तो दे क्या रहा है, मतलब क्या है इसका। तो इसमें मुझे मिला जो मैंने इसमें पेस्ट किया, इसमें ट्रांसलेट कर दिया, थाई से इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1234। ये नंबर टू टेक्स्ट का सिंपल सा फॉर्मूला था, पर ये थाई में कन्वर्ट करता है, मे बी इंग्लिश में होता तो हमें ज्यादा मदद मिलती इसको ऑटोमेशन में यूज करने में। हालांकि इसको हम अपने तरीके से, कई सारे मैक्रोस हैं नेट पे फ्री अवेलेबल हैं जिनको हम ये काम करवा लेते हैं, पर इसमें ये फंक्शन है और वो थाई, इसका लैंग्वेज चेंज नहीं कर पाएंगे एक्सेल से कुछ? नहीं सर, लैंग्वेज का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाट टैक्स जो है ना, भाट जो है वहां की करेंसी है थाईलैंड की, तो ये उसी लैंग्वेज में ही देता है, ये डिजाइन ही उनके लिए हुआ था, पता नहीं उन्होंने रिश्वत दी थी क्या दिया था, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया इन्होंने। तो ये बस नॉलेज के लिए जाने रखी, बाकी इसका तो कोई नहीं, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था शुरुआत में तो मुझे मैंने बताया आपको। कैर का फॉर्मूला है, अब आस्काई कोड के बारे में आपको पता है कुछ? आस्काई कोड हर एक का एक कोडिंग सिस्टम होता है, देखिए हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज जो है बाइनरी से शुरुआत तो हुई, पर उसके अंदर ऐसे ऐसे कोड्स डालेगा हर एक चीज के लिए, जो मतलब मेरी प्रोग्रामर्स को ज्यादा पढ़ाया जाता है इसके बारे में। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये ASCII कोड है क्या। जैसे ए बी को दिखाने के लिए इसमें क्या यूज, तो कुछ कोड दिए गए हैं कि अगर ये कोड हो तो आप इसको ए से डिनोट करेंगे, तो ये लाल में जो देख रहे हैं ये आपके कैरेक्टर्स हैं, और यहाँ जो डेसिमल्स में जो है इनके वो कोड है, तो इनमें क्या होता है,
ए में ए का जो कोड होता है वो होता है 65, कैपिटल ए का। यहाँ पे चलते हैं 65, ये रहा ए का कोड 65 होता है, और स्मॉल ए का वहीं पे कोड होता है 97। तो इस जो हमारा अपर केस टू लोअर केस जो चेंजिंग होती है ना सर, वो भी इन्हीं कोड पे कैलकुलेशन करके होती है। अब दिखाता हूँ आपको क्या होता है। अब कैर कोड को दिखा देते हैं। अब जैसे मेरे इसका मैंने कोड निकालना है कि ए का कोड क्या है मेरा, यहाँ पे देखा कोड का फॉर्मूला लगाया, ये मुझे दिखा दिया। अब यहीं पे मेरे को देना है, मैंने कहा कि जो कोड 97 है उसका करेक्टर क्या है, तो कैर का फॉर्मूला है जिसमें ये दूंगा तो मेरे को ये दे देगा स्मॉल ए। तो कोड और कैर दो फॉर्मूले हैं जो ASCII वैल्यू रिप्रेजेंटेशन के वाइस वर्सा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे, मैंने एक बार किया था इसका यूज, और MCA का स्टूडेंट था उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, कह रहे हैं कि आप 1 2 3 को तो ड्रैग कर लेते हो, अब आप A to Z ड्रैग करके दिखाओ। उसने कहा ए बी ए के साथ अगर मैं बी लगाऊं इसको ड्रैग करके बताओ आप। मैंने कहा ट्राई करते हैं, तो करा, वाकई नहीं हो रहा था। फिर उस टाइम पे ये फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ पे तो सिंपल लिख दिया मैंने ए। अब मैंने क्या किया, पहले इसका कैर कोड निकाला, इसका कोड निकाल दिया, इसमें क्या किया +1 कर दिया, और फिर इसको कर दिया कैर में कन्वर्ट। ठीक है जी, अब बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला खींचते जाना है, तो ये आगे आपका ड्रैग होता चला आता है। ठीक है जी, लॉजिक समझ में आया मैंने क्या किया इसमें, ए का जो क्या हुआ, ए का जो क्या हुआ हर बार कोड बनता चला गया, और हर कोड में मैं इसमें क्या करता गया, इसको प्लस करता गया एक, और फिर इसको कैर में कन्वर्ट करता गया। ठीक है जी, अब देखिए इसमें क्या है ना, फॉर्मूला अगर आपको लंबा चौड़ा लगाना है, जैसे मैंने तो पहले एक बार में लगा दिया, और अगर लंबा चौड़ा लगाना है तो सबसे पहले उसके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए कि जितना आप उसको तोड़ के लगा सकें। जैसे तीन पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया, बड़े से बड़ा फॉर्मूला जो है वो इसी मेथड से बनता है, पहले फॉर्मूला टूट लॉजिक टूटते हैं, फिर वो एक में कंबाइंड होते हैं एक सेल में। तो अभी मैंने आपको बताया बार टेक्स्ट कोर और कोड और कैर का फॉर्मूला, आगे देखते हैं टेक्स्ट के फॉर्मूला में क्या है, क्लीन का फॉर्मूला। इसको आप याद रखिए ये फॉर्मूला आपके, अगर आप ERP यूज करते हैं या वेब से रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि कई बार जब हम ओरेकल से या SQL से कोई रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो उनके आपके कैरेक्टर्स के आगे या पीछे कुछ इस तरह के कैरेक्टर ऐड हो जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, कहीं पे आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा, या कोई ऐसी चीज जो आपको दिखाई नहीं देगी उसी कोड में से होगी, मतलब इस ASCII का कोड हो जाएगा उसमें। अब दिखाता हूँ, जैसे रैप टेक्स्ट के बारे में आप जानते हैं, पर अगर आपको इसमें ही दूसरी लाइन पे जाना है विदाउट रैपिंग किए या वैसे सेकंड लाइन पे, तो ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं हम, और फिर उसके बाद टाइप करते हैं। हाँ जी, अब ऑल्ट ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, तो ऑल्ट एंटर जो होता है, मैं खाली में अगर ऑल्ट एंटर प्रेस करूं बाहर आ जाता हूं, तो इसका अगर कोड जाने तो इसका कोड निकलेगा 10। ठीक है जी,
और ऑल्ट एंटर यहाँ 10 के कोड में देखेंगे ये क्या है, एनएल न्यू लाइन फीड, न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के लिए भी ये कोड यूज हुआ है। इसको इसका यूज करके हम लोग ग्राफ बना देते हैं कई बार, तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा वो, पर चलिए दिखा देता हूँ बाद में और फिर समझा दूंगा। अब इसमें मैंने कुछ नंबर वैसे ले लिए, कुछ ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ करता हूँ आरईपीटी, एक फंक्शन है जो रिपीट के लिए यूज होता है। इसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख दें, जैसे मैं इसमें दे देता हूँ स्टार, कुछ भी, स्टार का कोई मतलब नहीं है, कोई भी टेक्स्ट, कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट होना है मैंने यहाँ से ले लिया। इसमें आप कैरेक्टर रिपीट कर सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स, पहला होगा आपका कैरेक्टर, दूसरा होगा नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार रिपीट करवाना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से, अच्छा इसमें आया नहीं, रेफरेंस नहीं आया, यहाँ से ये रेफरेंस ले लिया, तो ये एज ए चार्ट बिहेव करेगा। इसकी जगह अगर हम यहाँ पे ये डाल दें, ये हमारा बैक स्लैश के ऊपर होता है ये वाला स्लैश होता है ना जी, इसको अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ऐसा करेक्टर आएगा इस तरह का। मैं आपको दिखाता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ये होता कहाँ है, कई बार कंफ्यूजन होता है इस कैरेक्टर से। इसके जो है ऊपर होता है ये वाला कैरेक्टर होता है, ये वाला। अब इसका थोड़ा सा अगर मैं फॉन्ट चेंज कर दूं, यहां से एरियल की जगह मैं कर दूं आई थिंक बुक मैन, बुक मैन होता है बुक, या देख लेते हैं इसमें ब्रिटैनिक बोल्ड होता है, ब्रिटैनिक बोल्ड, ब्रिटैनिक बोल्ड, ब्रिटैनिक बोल्ड क्या होता है, ये करेक्टर इतना बोल्ड हो जाएगा कि आपस में मर्ज हो जाएगा। अब आप क्या करना है, टेक्स्ट का थोड़ा सा कलर चेंज कर दीजिए। तो आपने एक 2013 में या 2010 में कुछ चार्ट देखे होंगे, सेल चार्ट, या हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो इसमें ये डेटा बार्स देखे होंगे। तो डेटा बार्स की तरह आपका खुद का फॉर्मूले से क्रिएट किया हुआ डेटा बार है। देख रहे हैं, ये आरईपीटी फंक्शन है रिपीट के लिए। अब ये तो मैंने बना दिया चार्ट इसका आपके यहां पे, पर ये तो सिंगल चार्ट हो गया। अब स्पार्क लाइन से भी आगे बढ़ते हैं। सपोज यहां पे आप के दो कॉलम हो गए, अब आपको हर एक सेल पे चार्ट चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहां पे हमारा वो कोड 10 वाला जो है ना वो काम आ जाएगा, हमें पता है कोड 10। अब ये आरईपीटी लगा देंगे, पहला टेक्स्ट वही वाला हो जाएगा हमारा, मतलब हमेशा वही रहेगा। आ गया ये रहा नंबर ऑफ टाइम्स, हम करेंगे यहां से चूज कर लेंगे पहले वाले से, फिर इसको कंकेटिनेट करेंगे। कंकेटिनेशन आपको पता है किस लिए यूज करते हैं, दो सेल को कंबाइन, हाँ जी, दो सेल के वैल्यू को एक मिलाने के लिए। यहाँ पे मैं डालता हूँ कोड, कोड नहीं कैरेक्टर, कैरेक्टर चाहिए बेसिकली मुझे, कोड है उसका 10, इसका कैरेक्टर चाहिए मुझे, एंड करके फिर यही रिपीट का फॉर्मूला लगा देता हूँ। फिर से वही टेक्स्ट, आ गया ये रहा। यहां से ले लिया मैंने,
इसको कर देता हूँ ब्रिटानिक बोल्ड, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मैंने यहां से क्लिक किया रैप टेक्स्ट ड्रैग कर दिया, अभी आ गए आपके डबल चार्ट एक ही साथ, ठीक है जी। तो कितना भी ये कोड, अब कोड 10 ने क्या किया, यहां से क्या किया नई लाइन इंसर्ट कर दी है जी, जैसे ही इसने रिपीटिशन खत्म की वहां से नई लाइन इंसर्ट कर दी, तो ये मेरे को डबल इल्यूजन टाइप में दिखा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना जाके फॉन्ट में जाके इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, अलाइनमेंट इसकी चेंज कर देता हूँ 90 डिग्रीज पे कर देता हूँ। अब यहाँ थोड़ा खींचातानी की है तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको जब भी दिखाएगा जब इसको प्रॉपर स्पेस मिलेगा, इस तरह से आपको ये चैटिंग स्पेस दिखाएगा। तो इस तरह से हम कॉलम चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं इनके यूसेज से, थोड़ा सा सेटिंग करके। इस तरह की हमें कई बार जरूरत पड़ती है, एक ही सेल में बार बार आप चार्ट नहीं लगा सकते। दूसरी बात, बार बार चार्ट लगाएंगे तो वो हैवी हो जाता है, बहुत हैवी। तो जब आपको थोड़ा सा मेमोरी मैनेजमेंट भी करना है तो इस तरह के फंडे यूज होते हैं वहां पे। तो ये कैरेक्टर 10 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, कोड 10 तो मतलब है काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब कई बार ऐसी जगह फंस जाते हैं तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन निकल के आते हैं। अब इसकी एक और खास बात है, अगर आप यहाँ पे आईडी दे दें और ये फॉर्मेट ले जाके कहीं फॉर्मेट पेंटर से पेस्ट कर दें तो इस चार्ट को वी लुकअप से आप कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी चार्ट वी लुकअप से कॉल नहीं हो सकता। ये कैसे होगा? अगर मैं इसकी कोई आईडी दे दूं, यहाँ पे मान लीजिए E001 या कोई आईडी, वी लुकअप जानते हैं थोड़ा बहुत आप? हाँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ E001, ठीक है जी। सिंपल वी लुकअप है सर, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, सिंपली आपको ओके, वो रिजल्ट वहां पे शो कर देगा। करेक्ट सर, यहाँ से बस आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इतना ही ले लेते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 3, हाँ 4 ना, हाँ यस, और 0। तो इसको अगर मैं फॉर्मेट पेंटर से यहाँ यही सेम कर दूं तो ये भी वही दिखाएगा। अब इसमें क्या होगा, आईडी बेस पे चलेगा ये मेरा, E001 की जगह 2 ले लूं तो ये डायनेमिक बन जाता है। इसकी जगह अगर मैं ड्रॉप बॉक्स लगा दूं, अब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दूं, वहां से बस मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है मुझे, है ना। ज्यादा मेमोरी खर्च किए सिर्फ फॉर्मूले के दम पे। तो ये फंडे हमारे डैशबोर्डिंग में यूज होते हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ फॉर्मूला एक्सपर्टाइज है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके बारे में, और जितना मैं बता रहा हूँ वो तो आपको करना ही करना है। जितना मैं जानता हूँ उसको उतने आइडिया आपको दूंगा, पर उसके बाद आपको क्या करना है, नेट पे गूगल पे आप सर्च करते रहिए, हजारों इस तरह के आपको वो मिल जाएंगे। हालांकि वो रेफरेंस भी दूंगा मैं आपको धीरे धीरे, अगर इसको आपको मास्टरी के लेवल तक ले जाना है तो इनको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। थोड़े से और फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं, कैर क्लीन रिपीट कोड कॉन्केटिनेट, आपका कॉन्केटिनेट ऑपरेटर की तरह ही काम करता है। जैसे हमें दो सेल की वैल्यू मर्ज करनी है
तो ये आपका ऑपरेटर है एक, जो हमारे ये बीच में लगते हैं, जैसे प्लस माइनस है ना, जो प्लस माइनस डिवीजन वगैरह ये सब करते हैं, इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर्स हमेशा दो के बीच में ही लगते हैं, और कई तरह आपको ऑपरेटर की तरह बिहेव करने वाले, काम करने करवाने वाले फॉर्मूला भी अवेलेबल है। तो ऑपरेटर का अलग रोल है, इनका अलग रोल है। काम बेशक सेम कर सकते हैं, पर दोनों चीजें अलग अलग हैं, ऑपरेटर एंड फॉर्मूला। ठीक सर, अभी आपको क्लीन चिट बोले थे ना, थोड़ा बताए ना सर, तो क्या चीज? आप वो क्लीन टेक्स्ट के बारे में, क्लीन। हाँ, मैं उसका भी बता रहा हूँ। तो ये एक्चुअली बीच में जो भी आता है मैं उसको पूरा कवर कर देता हूँ ना, ताकि उसमें कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है सर। क्लीन का अब जैसे कॉन्केटिनेट समझ में आया आपको क्या करता है, इसमें आप डायरेक्ट टेक्स्ट रेफरेंस दे सकते हैं और ये उन सबको मर्ज कर देगा। ओके, अभी ठीक है स्पेस जी। है तो अगर आप स्पेस लगाना है तो ऑपरेटर में कैसे करते हैं, यहाँ पे हर एक टेक्स्ट के बाद आता है, तो यहाँ पे फिर एक आपको ऑपरेटर चाहिए, यहाँ पे चाहिए स्पेस। बट आपको अगर फॉर्मूला में स्पेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या है, पैरामीटर्स ले रहा है ये, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री। तो टेक्स्ट टू में हम स्पेस दे देंगे। टेक्स्ट हमारा कोई भी टेक्स्ट जो होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही डाला जाता है किसी भी फॉर्मूले में। अब नेक्स्ट में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये इस तरह से काम करेगा। ऑपरेटर हमेशा हर रेफरेंस के या टेक्स्ट के बाद लग जाएगा, इसमें आप बस वैल्यू बढ़ाते जाएंगे कॉमा कॉमा के बाद। क्लीन का जो है वो इसी से ही रिलेटेड है, जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया कि क्लीन क्या कर सकता है। अब मैंने एक ऑल्ट एंटर दिया, यहाँ पे सिंक टाइप कर दिया। सबसे पहले आपको दोनों की लेंथ चेक करवाता हूँ। लेंथ के लिए LEN फॉर्मूला है टेक्स्ट का, यहाँ पे 13 दिखा रहा है। अगर मैं विदाउट इस ऑल्ट एंटर के अगर यही चीज लिखता हूँ, इसकी लेंथ चेक करता हूँ, तो ये 12 निकलती है। तो इससे डाउट हुआ था मुझे कि इसमें कोई एक करेक्टर फालतू है, वो करेक्टर कौन सा है, वो मैंने इंडिविजुअल करके देखा कि वो अच्छा 10 है। अब क्लीन क्या करता है हमारा, अगर मैं इसको क्लीन कर दूं तो ऐसे जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं या जो कोई भी स्पेस या उनका अपना कुछ भी नहीं है, जो दिखाई नहीं देते, उनको क्लीन का फॉर्मूला क्लीन कर देता है। अब आप अगर इसकी लेंथ चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी 12, जैसा कि इसमें थी। संदीप, क्या ये अपना स्पेस भी रिमूव कर देगा ये फॉर्मूला? नहीं सर, स्पेस नहीं रिमूव करेगा। अगर मैं इसमें ऑल्ट एंटर की जगह स्पेस देता हूं तो देखते हैं क्या करता है। वैसे स्पेस स्पेस को रिमूव नहीं करता है, क्योंकि नहीं कर, स्पेस को एरर नहीं मानता ये। हाँ, पर आपने अगर स्पेस इसके आगे या पीछे लगा है तो आप वो ट्रिम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लीन की जगह आप ट्रिम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर इसके आगे या पीछे स्पेस लगा है तो ऐसे ब्लैंक स्पेसेस को ये रिमूव कर देता है ट्रिम का फॉर्मूला। कोई स्पेशल करेक्टर्स होता है इसमें, जैसे किसमें? वो नाम के बीच में स्पेशल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क समथिंग। वो भी ऐसे ही आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क तो आप उसका कोड ढूंढ के निकालेंगे, फिर कैल में करेंगे, फिर आपको दिखाएगा, पर यहां तब भी नहीं दिखाएगा। तो ऐसे करेक्टर कई बार क्लीन से भी नहीं जाते। सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि आप उसकी लेंथ चेक करें, क्या एग्जैक्ट है, क्या जो दिख रही है वही है क्या। उसके बाद आप इन सारे टेक्स्ट के फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। जैसे आपका सवाल अच्छा था, स्पेस स्पेस बीच में जो हो तो वो कोई एरर नहीं होता, पर आगे या पीछे हो तो कुछ वो एरर ही होता है, क्योंकि वहां जनरली रिक्वायर्ड नहीं होता। ऐसे केस में उसको ट्रिम के थ्रू वो किया जाता है।
अब देखते हैं इसको टेक्स्ट के फॉर्मूला में और आगे उठते हुए। फाइंड का फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। कॉन्केटिनेट देख लिया, डॉलर जो है ये कुछ करता नहीं है। अब जैसे मैं ये है ना, इसको करेंसी में चेंज कर देगा, बस डॉलर में चेंज कर दिया आपके। तो ऐसे कुछ सपोर्टिंग फॉर्मूलाज आपको दिए जाते हैं इसके अंदर। अब देखिए एक ही है इसमें एग्जैक्ट, इसमें क्या करते हैं दो चीजें लिखते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने और यहाँ कैपिटल में लिख दिया, दोनों चीज सेम है। अब मैं इसको करता हूँ कि ये इक्वल टू ये है, तो इसने मुझे ट्रू दिखाया, लॉजिकल ऑपरेटर ने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें केस सेंसिटिविटी भी हो, मतलब अगर केस सेंसिटिव को अगर आप मैच नहीं कराना चाहते, तो आप एग्जैक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि क्या ये और ये एग्जैक्ट है कि नहीं। इसके अंदर आप दो टेक्स्ट के रेफरेंस देंगे सेपरेटेड विद कॉमा, तो ये अब आपको दिखा देगा रिजल्ट। तो एग्जैक्ट जो है केस सेंसिटिव होता है, अगर आपको केस सेंसिटिव करना है तो एग्जैक्ट के फॉर्मूला के थ्रू आप चेक कराएंगे। आगे देखते हैं, फाइंड का फॉर्मूला। फाइंड का फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए कुछ आईडी आईडी टाइप की मैंने, अब मुझे इसमें फाइंड करना है कि एट द रेट कौन सी पोजीशन पे है। फाइंड कोई भी टेक्स्ट आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, किसी वर्ड के अंदर कोई भी टेक्स्ट आप फाइंड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट मैंने बताया कि एट द रेट फाइंड करिए, इसमें की ना करना है इसमें करना है। यहाँ पे एक ऑप्शनल है स्टार्ट नंबर, स्टार्ट कहाँ से करना है, तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे डालता हूँ वन, मतलब कुछ नहीं डालता हूँ, तो ये वन से ही स्टार्ट करेगा शुरू से ही। पर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ मान लीजिए इधर से, तो मुझे चार लेटर्स के बाद, पांच लेटर्स के बाद, तो वो नंबर दे सकता हूँ मैं। फिलहाल मैं वन ही रखता हूँ इसको, तो ये मुझे पोजीशन दे देता है कि इसमें फोर्थ पोजीशन पे, इसमें सेकंड पोजीशन पे। ठीक है जी, फाइंड का फॉर्मूला इस तरह से यूज करते हैं। तो आज के लिए बस करें कि आगे बढ़े, अगर कोई वो ना हो कल हम एक, क्योंकि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ टेक्स्ट को आपको कंप्लीट करा दूंगा, लंबा चौड़ा चलेगा वो, एक घंटा पूरा। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा ये आप लोग रिकॉर्डिंग कौन से मोड से